इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, आई मी माई सेल्फ, तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं गलत है? और निजी आपने सबको छोड़ के उनको बमाए, जो भमाए बनाया है वट एवर, तो किस बेस पे बनाया? वो खुद डंके की चोट पे बोलती है मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो यूज़ कर रही हैं आपको? क्योंकि यहाँ तो इनमें से कोई भी उनसे दोस्ती करने को तैयार नहीं है, तो आई थिंक शी सेलेक्टेड यू बिकॉज यू आर गिविंग सो मच टाइम टू हर। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको भमा इसलिए बनाया क्योंकि मेरे सामने तो वो वैसी नहीं है, मेरे लिए तो वो वैसी नहीं है, मेरे लिए वो सेल्फिश नहीं है, मेरे लिए वो इगोइस्टिक नहीं है, मेरे से हम्बली बात करती है और मेरे साथ अच्छे से रहती है। और मैंने उनको कई मौके दिए और उन्होंने हर बार प्रूफ किया अपनी दोस्ती को, कभी मुझे धोखा नहीं दिया, कभी मेरे सामने क्लेवर नहीं बनी। मेरे वाइब मैच करती है उनके साथ, इस वजह से शायद दूसरों के साथ नहीं करती होगी। निजी अगर रही बात गेम की तो आई वॉन्ट टू आंसर हर। सी आई हैव ऑलवेज सेड इट, मेरा सबका अपना अपना पॉइंट, कोई मुझे पसंद करेगा कोई मुझे नहीं पसंद करेगा, ऐसी बात नहीं है। अरमान जी कृतिका के साथ मैं पहले बैठती थी जहाँ उन्हें मैं अच्छी नहीं लगने लगी, मैं सेल्फिश लगने लगी, तो वो हट गए। और मैंने भी मिला था मुझे फैशन का, वहीं से उसके पहले से हुआ है अरमान जी, मैं बता देता हूँ, कृतिका वाली बात के बाद ही हुआ था, सेकेंड वीकेंड के बाद ना अगले दिन अवार्ड मिल गया था। तो कई हद तक देखो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई आपको पसंद करेगा कोई आपको नापसंद करेगा, तो मुझे जहाँ वाइब लगी है मैं वहाँ बैठी हूँ, जहाँ नहीं लगी मैं उठ के चली गई हूँ। और मुझे अगर वाइब्स अच्छी नहीं आती है तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की है कि मैं हाँ, बट इस घर में आप रह रहे हो तो थोड़ा वो काम काज को लेके अपनी बातचीत हो जाती है, दैट्स इट। और रही बात नेजी की, तो नेजी और मेरा एक वाइब है, आई डोंट नो उसको लोग क्या लग क्या दिख रहा है, क्या मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट नो, बट सबका एक अपना नेचर होता है, एक परसेप्शन होता है। तो अगर नेजी को मैं गलत नहीं लग रही हूँ तो आई विल नॉट से एनीथिंग। बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बट एक ह्यूमन नेचर होता है, सॉरी बोलने का, आप सॉरी ही बोलते मतलब बिकॉज़ से सॉरी नहीं बोलते। और रही बात अनिल सर की मुझे बार बार समझाने की, तो मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ मैं गलत गई हूँ, बट ये मेरा नेचर है कि मैं मे बी मुझे समझ नहीं आ रहा है, यू कैन से इट लाइक दैट वे, बट सीरियसली जहाँ मुझे मैं गलत लगी हूँ मैंने अपने आप को वो किया है। निजी मेरा सवाल ये है कि काउंट हो जाता है फिर छः यहाँ का। ओके ओके, सो नेजी मेरा सवाल येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो, कहीं ना कहीं ये दिखने में नज़र आ रहा है, एक तरफ रणवीर के पूरे गैंग के साथ भी आप हाँ भाई करते हो, दूसरी तरफ ये सना के साथ भी आप करते हो पूरे गैंग के साथ, तो अभी तक आपकी इंडिविजुअलिटी सामने नज़र नहीं आई है, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आप येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। मेरा तरीका यही है कि सबके साथ अच्छे से रहो, सबको प्यार दो, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे किस तरफ रहना है, क्योंकि मेरे को दोनों के साथ अच्छा लगता है, मुझे ये ग्रुप भी पसंद है वो ग्रुप भी पसंद है, तो ये मेरा वे है चलने का। मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ कि मैंने अलग 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 टीम के साथ काम किया है और अलग अलग टाइप के लोगों के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ, तो मैं हमेशा मिडिल मैन बन के काम कर चुका हूँ बाहर भी, और मेरे लाइफ में ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ, ये मेरा एक तरीका है गेम खेलने का। तो लेकिन अगर स्टैंड लेने की बारी आई तो क्या आप रणवीर का लोगे या सना का? वो मौके पे डिपेंड करेगा, उस वक्त जो मुझे सही लगेगा मैं उसका स्टैंड लूंगा। हाय, हाय, आपसे है यहाँ पर, आप लव और विशाल की दोस्ती को हमेशा पैक्ट पूछ ये बोलते रहते हैं, लेकिन सेम हाँ कि विशाल पूछ है, पैक्ट है इनका, तो और आप अरमान, रणवीर या दीपक, ऐसा लगता है आप उनके लिए सेनापति बने हुए हैं, राजा बनने की कोशिश आपने की नहीं। मेरा सवाल ये है कि उनकी दोस्ती पूछ आपकी दोस्ती क्या, क्योंकि सना के जाने के बाद तो आप उसके अंडे बांटते हुए नजर आ रहे थे। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी के अंडे नहीं बांट रहा हूँ और यहाँ कोई सेनापति या कोई राजा नहीं, उसके अंडे बांट रहे थे जब सना। नहीं नहीं नहीं, आप अगर आप वैसा बोल रहे हो तो शायद आपका भी अजम्पशन गलत है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सेनापति नहीं दिखाया गया है। क्या क्या दिखाया गया बताइए? अंडे बच्चे, चल अंडे बांट लेते हैं, आप रोए नहीं, आप दुखी नहीं थे, आपको उसके जाने के बाद उसके अंडे, वो तो हमने बहुत बाद में डिस्कस किया था, क्योंकि जो भी बचता है, क्योंकि खाने की स्केयरसिटी होती है, इसलिए हमने डिस्कस किया था, और उसमें कुछ गलत नहीं है। अपने अंडे खुद भी दे रही थी, हाँ उसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि सच में यहाँ खाने की स्केयरसिटी होती है। तो
इसमें सच में खाने की स्केयरसिटी होती है एंड आई जस्ट स्किप्ड योर क्वेश्चन जस्ट आस्क मी अगेन एक मिनट एक मिनट दोस्ती है आपकी दोस्ती दोस्ती और हां एग्जैक्टली फैक्ट और आपकी नहीं एग्जैक्टली मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आए दिन से जब मैं पहली बार यहाँ अंदर आया था गेट के अंदर तो मैंने फर्स्ट डे से विशाल और लवकेश को साथ में देखा था और मुझे लगा कि शायद एक दूसरों को जानते होंगे बाहर मुझे ये लगा था लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि इन दोनों की मतलब जो मीटिंग हुई है यहाँ ही हुई है सेट पर हुई है तो फिर मैंने ये सोचा कि मतलब पहले दिन से कोई इतना दोस्त कैसे बन सकता है मतलब इतना गहरा दोस्त कैसे बन सकता है वो अलग बात है कि इन दोनों की फीलिंग्स जो भी है वो उनकी फीलिंग्स होगी लेकिन एज अ पर्सन एज अ थर्ड पर्सन मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर किसी दोस्ती बनाऊंगा तो शायद पहले वीक में या दूसरे वीक में मेरी बनेगी क्योंकि एज अ पर्सन एज अ जेन्यून पर्सन मेरी भी दोस्ती किसी से आराम से नहीं होती फटाफट नहीं होती टाइम लगता है देखता हूँ मैं इंसान कैसा है क्या है कैसा बात कर रहा है उसकी सोच क्या है तो उसके हिसाब से मैं अपना आई टेक माई स्टेप फॉरवर्ड मैं देख कर करता हूँ लेकिन आपको लगता है कि दूसरों की दोस्ती फेक है और आपकी ही रियल है मैंने ये नहीं बोला ना मैंने हाँ ऑफ कोर्स मैंने बोला क्योंकि मुझे वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं लगा मैंने एक बार लवकेश से पूछा था भाई तुम एक दूसरों को कैसे जानते हो और तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कैसी हो गई तो यहाँ ही बात हुई थी गार्डन में रात को हुई थी जब लवकेश को हथकड़ी लगाई गई थी तो लवकेश ने बोला कि जो मेरी वाइब है वो विशाल की वाइब है इसलिए हम दोनों की मैच हो गई और इसलिए हमारी दोस्ती हो गई तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ था उस आंसर से मतलब और कुछ अगर मेरा सवाल कृतिका से है मेरा सवाल कृतिका से है कृतिका भाभी नंबर टू आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानती हैं आपको लगता है सभी लोग जो हैं वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है आप शिवानी को बेवकूफ़ समझती थी शिवानी को आपने कहा उसे समझ में नहीं आता जबकि शिवानी हम लोग बाहर से शो देख रहे हैं शिवानी के पास सबसे ज़्यादा अकल थी आप बहुत डम नज़र आ रही हैं उसका रीज़न एक ये भी है कि कोई आपको कुछ कह देता है आप कैलकुलेशन बिगड़ ना जाए इस वजह से मन ही मन सोचती है पर जवाब नहीं दे पाती जैसे रणवीर आपको अगर कुछ कह देते हैं शटअप या कुछ कहते हैं आप जवाब देना चाहती हैं मगर आप जवाब नहीं दे पाती कि ये इक्वेशन कहीं बिगड़ ना जाए अरमान से भी रिश्ता बिगड़ ना जाए ये जो हमने बैलेंस बना रखा है वो बैलेंस ना बिगड़ जाए और इसलिए आप डम नजर आ रही है इस पे आपका क्या कहना है सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि शिवानी को जब मैं बोल रही थी कि उसे कुछ समझ नहीं आता जब भी कोई टास्क होता है कोई नॉमिनेशन होते है कुछ भी बात होती है शिवानी बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा बात रही मेरी कि आप रणबीर जी से बोले रणबीर जी मेरे बड़े हैं मैं उनको जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं बाहर भी ऐसी हूँ जिस शो में मैं हूँ ना बिग बॉस में यहाँ पे आपको रियल दिखना है मैं बाहर भी ऐसी हूँ अगर कोई मुझसे बड़ा मेरी बड़ी बहन हो गई बड़ा भाई हो गया अगर मुझे कुछ चीज़ समझा रहे हैं ना तो मुझे लगता है शायद वो मेरे भले के लिए समझा रहे हैं तो मैं रणबीर जी की रिस्पेक्ट करती हूँ वो इधर भी करती हूँ और बाहर भी करती रहूँगी और बाकी जो बात आप कि कह रहे हो कि डम मैं लोगों को जवाब नहीं देती मुझे लगता है जिसको जवाब देना है मैं उसको अच्छे से जवाब देती हूँ जिसको नहीं देना तो मैं इज्जत से नहीं देती और यहाँ पर सिर्फ एक रणबीर जी है जिनको मैं जवाब नहीं देती बिकॉज ऑफ कि वो मेरे बड़े हैं अगर मुझे कुछ समझा रहे हैं अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे एक बात बोली थी फूलिश वाली की कुछ बातें तो वो मैंने समझी कि वो मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे और साथ ही अरमान जी के लिए भी मैं यही करती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है अगर वो मुझे कुछ समझा रहे हैं तो शायद मेरे भले के लिए समझा रहे होंगे तो इन दोनों को छोड़ के बाकी घर में कोई भी है जो मुझे कुछ बोलता है तो मैं उनको जवाब वापस देती हूँ और मैंने कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की है उसके साथ सना मेरा सवाल आपसे है आपने कहा कि आप अगर नहीं जीतेंगी तो आप डिप्रेशन में चली जाएंगी हम सभी जानते हैं कि डिप्रेशन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है तो क्या उसको आपने एक सिंपथी कार्ड के तौर पे यूज़ किया क्योंकि एक तरफ आप कहती हैं कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ मेरा ये है मैं इतनी स्ट्रांग हूँ मैं अपनी बात कहती हूँ दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि अगर मैं नहीं जीती तो डिप्रेशन क्योंकि ताकि लोग आपके प्रति तरस खाएं और आपकी तरफ एक सिंपथी आए तो आपने वो सिंपथी कार्ड खेला क्योंकि आप धीरे धीरे आप एक मजबूत मतलब कॉन्टेस्टेंट में हैं जी सी मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फियर्सफुल माना है मैं इस पर डिनाई नहीं करूँगी मैं बहुत ब्लंटली चीज़ें बोलती हूँ अपफ्रंट बोलती हूँ रही बात डिप्रेशन वाली वर्ड की वो मेरी और शिवानी की कॉन्वर्जेशन थी जो शिवानी ने जाके वहाँ लीक की थी तो मैं शिवानी को कुछ चीज़ समझा रही थी कि अगर मैं नहीं जीती तो शायद मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी और रही बात डिप्रेशन वर्ड की मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं चीज़ों को अपने दिल में होल्ड करके रखती हूँ मेरे दिल में वो स्कार रहती है वेदर इट्स माई एक्सीडेंट वेदर इट्स माई मैंने आज तक मेरे दिल में वो स्कार है तो मैं वो टाइप ऑफ बंदी हूँ जो अब अंदर ही अंदर घुटती है अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती है तो ये सिंपथी मुझे किसी की पिटीनेस की ज़रूरत नहीं है बट मैं हूँ ऐसी जो मैं दिखाती नहीं हूँ मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ तो वो मैं शिवानी और मेरी वो कॉन्वर्जेशन चल रही थी जहाँ मैं शिवानी से बात करी तो शिवानी ने जाके पूरे गाँव को बता दी तो
उसका मुद्दा बन गया, हालांकि लोगों ने मुझसे डायरेक्टली आके वो चीज़ पूछी नहीं, दे स्टार्टेड कॉन्वर्जिंग अपने, मतलब वो लोग बस बातें ही कर रहे थे कि कोई मुझसे आके पूछ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने भी जवाब नहीं दिया। और जब सर ने भी बोला, मैंने यही चीज़ बोली कि सर मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि मैं अंदर ही अंदर सोचती हूँ, तो शायद अगर मैं हारी तो मुझे मलाल रहेगा कि मैं क्यों हारी, मेरा एक अपॉर्चुनिटी था, मैंने उसे लूज कर दिया, सो आई विल होल्ड दैट थिंग फॉर मी, दैट्स इट। मुझे भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला, मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, तो मैं भी गया। सर वो आपका है, मेरा नहीं। मैं अपने बता रहा हूँ। हाँ बस ठीक है फिर, यहाँ ना एक्चुअली सबको जीतना है बट बस कोई बोलता नहीं है, बस यही है कि मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं सेल्फिश लग रही हूँ, कुछ भी बोलो एवरीथिंग। आपको फर्क बहुत बार हमने कोशिश की आपको समझाने की क्या फर्क है, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको शायद समझ नहीं आएगा, आप बड़े हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसीलिए बहुत चीज़ें स्मार्टली बोल देते हो, श्रूड अगर आपको मतलब नहीं पता तो बहुत श्रूडली आप उसे निग्लेक्ट भी कर देते हो। मुझे मतलब नहीं पता, आपको पता है? या मुझे बहुत अच्छे से पता है। बहुत जल्दी स्नैप भी कर देते हो जहाँ आप गलत नहीं लगते हो, सो वही लवकेश की बात पे मैं अग्री करना चाहूँगी कि डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होती है। ओके, मेरा एक लास्ट सवाल है कृतिका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे एक बार बात हो रही थी तो सना भी कह रही थी कि उनको जीतना है, आपने भी कहा था कि आप भी अगर नहीं जीती तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा, आप भी शायद डिप्रेशन में जा सकती हैं, कोमा में, कोमा बोला था मैंने, राइट राइट माय दैट, बट हमने आपको ऐसे एक पुख्ता स्टैंड लेते हुए नहीं देखा है, आपको हर बार ओपिनियन के लिए अरमान लगते हैं, और जब आप टास्क की भी बात आती है तो अरमान को आप जिताना चाहती हैं, हमने बहुत बार देखा है कि आप अरमान को हेल्प करती हैं, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो रणवीर को हेल्प करते हैं, तो ये इस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि हमें आपका पर्सनल स्टैंड नहीं दिखता है। मुझे नहीं याद, आप मुझे बताइए कि मैंने कब टास्क में उनकी हेल्प करी, और बात जो रही कोमा वाली, तो वहाँ पे मैं बैठ के फ़न कर रही थी और मैं बेडरूम में थी, और मैं इस बात को, मैंने सना वाली जो बात है उसको सुना था, शिवानी ने मुझे आके बताई थी, तो मैं अपनी टीम मेम्बर्स को हंसा रही थी और मैं बोल रही थी अगर मैं नहीं जीती तो मैं 2 महीने के लिए कोमा में चली जाऊँगी, वो एक फन लाइन थी। और एक बात और, आप मुझे बोल रहे कि मैं टास्क में इनकी मदद करती हूँ, कौन से टास्क में मैंने इनकी मदद करी है? और मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ कि अरमान रणबीर का साथ देता है, तो हेड ऑफ द हाउस उस इंसान ने अपने दम पे मुझे बनाया, और जब मुझे कुछ मिला वहां से 2M का, तो मैंने उनके साथ शेयर किया वो, तो वो क्या था ना, वो डिजर्व करते थे, जो चीज इंसान इस घर में डिजर्व करेगा उसी को तो देगा ना। बिल्कुल सही बात है। बट आपको पर्सनली स्टैंड आप क्यों नहीं लेते, आप डिस्कशन करने के लिए तुरंत उनके पास चली जाती हैं? देखो एक हस्बैंड है साथ में, मेरे को लगता है मैं अपनी चीज़ों का स्टैंड लेती हूँ, जो चीज़ें मेरे को बोलनी होती हैं बोलती हूँ, बाकी ये घर में है तो मैं इनसे बातचीत कर लेती हूँ, अगर पायल नहीं, अगर पायल भी होती तो हम तीनों बातचीत करते, कि एक नेचुरल चीज़ है, अगर आप भी अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने भाई बहन के साथ आओगे तो ऑब्वियसली मैं अकेले स्टैंड लेती हूँ, अपनी चीज़ों के लिए बोलती हूँ, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ जी। कुछ वक्त और बचा है, आगरी के जगह पुशअप करने लग गए, तो बिग बॉस खत्म होने के बाद बाहर जाके खेलोगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। सो गैर अपनीजिया का प्लान क्या है अभी अगले हफ्ते के लिए? मैं थोड़ा और एक्टिव होने वाला हूँ, मैं मुझे जो खेलने का था मैं खेला, अब मेरा यही तरीका था गेम खेलने का, और मैं मतलब मैंने कोशिश किया था टास्क में आगे बढ़ने की, लेकिन मेरा फोकस शिफ्ट हो गया स्लाइटली और वो रेस मेरे हाथ से निकल गई, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने कोशिश किया अपने तरफ से, लेकिन मैं नहीं जीत पाया, उसका मेरे को भी थोड़ा रिग्रेट हुआ कि मैं वैसे तो बहुत फास्ट हूँ बाहर की दुनिया में, लोग जानते हैं मेरे को, और यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो हो गया, तो मुझे थोड़ा पछतावा है उस चीज़ का, लेकिन अब ऐसा कुछ होता है तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। रणवीर जी, ऑन अ लाइटर नोट आई वांटेड टू आस्क यू कि अगर यू नो आपके जो सह कंटेस्टेंट्स है 35 डेज से आप लोग साथ में रह रहे हो, अगर आपको इन्हें एक कहावत में डिफाइन करना है आप क्या बोलोगे फॉर ईच वन ऑफ देम? फॉर ईच वन ऑफ देम That's a lot of kahawats. I don't know if I can come up with so many. But yeah, like just one small one. Okay, Ranveer sir, मेरा सवाल।
Actually, can I skip this? Because I'm really not going to be able to think of... So one of them. One-liner. मुझे तो पता है मेरी मत बोल रहे हो। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बस प्लीज सर आपसे सवाल है कि हमने आपको बोलते हुए सुना कि आप तो वो 25 लाख पे ज्यादा फोकस करोगे रादर देन ट्रॉफी ठीक है अभी वो जोकिंग है वो यू नो कि वो स्प्लिट नहीं करने वाले एक ही बंदे को दोनों मिलनी है फेयर इनफ पर कहीं ना कहीं तो वो बात आई कि पैसा महत्वपूर्ण है बिल्कुल और आज ये वक्त आ गया है कि आप जैसा मंझा हुआ एक्टर क्राफ्ट के बारे में ना सोचकर पैसों के बारे में सोच रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बट आप कैसे कह रहे हो कि मैं क्राफ्ट के बारे में नहीं सोच रहा यहीं पे मैं 4 इम्प्रोव एक्सरसाइजेस कर चुका हूँ ऊपर से मेरी द थिंग इज प्लीज अंडरस्टैंड बिगेस्ट रीजन मेरे आने का था आई टोल्ड यू बिकॉज माई सन वॉज ट्रैवलिंग सेकेंड रीजन मेरा था कि मेरे पास कोई ऑफर्स नहीं थी काम की जो मंझे हुए एक्टर अगर घर पे बर्तन मांझ रहे तो कहाँ का एक्टर है वो तो इधर आके मांझूँ मैं एटलीस्ट पैसे तो मिल रहे हैं मुझे सो दैट्स सेकेंड थर्ड देर आर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आई हैव शॉट विच वर नॉट रिलीजिंग ऑल्सो सो इट ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक के इट्स नॉट समबडीज फॉल्ट मेरी किस्मत में ही चक्का जाम हो गया था सो आई हैड टू यू ऑल्सो हैव बिल्स टू पे आई ऑल्सो हैव बिल्स टू पे सो ये इसमें आप हंडा हुआ एक्टर यहाँ आ गया कम ऑन यू नो आई मीन बी रियल मैं पहली बात मैंने आपने आपको कभी इतना सीरियसली एक्टर नहीं लिया जितना आप ले रहे हो सो आई एम एन एक्टर मैंने पहले भी रियलिटी टीवी शोज किए हैं यार आई डोंट वांट टू नेम देम एंड एज आर्टिस्ट इफ यू नो वी मिरर रियलिटी दैट डेफिनेटली डजंट मीन दैट आई कांट टेक पार्ट इन रियलिटी सो आई एम नॉट द फर्स्ट एक्टर जो आया है यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई इट शुड बी सच अ बिग डील उनका भी ये था कि आर यू नो आप कपड़े ऐसे पहन रहे हो आर यू नॉट रियल I have no image to portray. मेरे images are my characters. सवाल इसलिए उठे सर क्योंकि आपने बोला कि आपके लिए पैसे important है trophy नहीं। अरे वो तो मजाक कर रहे थे यार हम लोग वो trophy कह रहा था मेरे को trophy चाहिए मैंने कहा trophy मेरे को नहीं मेरे को मेरी नजर 25 लाख पे मैंने ये बोला था। Yes. My question to the contestants on the dais, you know, especially the two females. It seems to be a male-dominated scenario right now. Please, Hindi so, आप दोनों में से कौन बताएगा कि कौन जीतेगा? मेल में? हाँ, मेल में. आपके हिसाब से आपको नहीं लगता कि फीमेल बहुत ही कम है दो बच्ची है। जरूरी नहीं है मैम कि फीमेल दो बच्ची है तो हम आगे तक नहीं जा सकते सॉरी आई विल टेक इट लिटिल ऑफेंसिव बट या बट द स्ट्रांग कंटेस्टेंट्स लुक्स लाइक अरमान एंड रणवीर जर्नी की बात करूँ तो रणवीर जी यस उनकी जर्नी अच्छी रही है उन्होंने हर चीज पे बोला है वेदर इट्स राशन या वेदर इट्स झाड़ू पोछा वेदर इट्स बाथरूम वेदर इट्स गार्डन वेदर इट्स एटीट्यूड वेदर इट्स कैरेक्टर वेदर इट्स बिचिंग वेदर इट्स गॉसिप आई थिंक सो करियर ग्राफ बोल रही हूँ जर्नी बिग बॉस की इनकी अच्छी रही है सो इंटेलिजेंट है एक्सपीरियंस है एज में बड़े हैं तो बड़े ले जाएं तो बेटर होगा रणवीर यू विल टेक अवे द बूटी व्हाट आर यू गोइंग टू टेक अवे आई विल क्विकली व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द बूटी आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू मेरे जो प्रेफरेंस ऑफ विनर्स सबसे पहले मैं चाहूंगा मैं जीतूं अगर मैं ना जीतूं तो अरमान जीते अगर मैं और अरमान ना जीते तो मैं चाहूंगा सॉरी कृतिका और साई जीते अगर वो दोनों भी नहीं जीत पाते तो फिर इन तीनों में से कोई जीते दिस इज द ऑर्डर मेरी विश लिस्ट अब क्या होगा वो बिग बॉस पर है जनता पर है बट दिस इज माई विश लिस्ट और आपने बूटी के बारे में कोई सवाल पूछा था अभी मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है उसको कॉलेज भेजना है 25 लाख से वैसे आज मुझे ऐसा लग रहा है चलती ट्रेन के पीछे भाग रही हूँ मैं डीडीएलजे का सीन याद आ रहा है काजोल वाला क्योंकि वो ऐसा ऐसा करके क्वेश्चंस लेना पड़ रहा है बट देन माय क्वेश्चन गोज़ टू यू अरमान आपको लेकर शुरू से लेकर अब तक जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं और पहली बात तो ये अभी मेल फीमेल की बात हो रही थी आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म अ गेमिंग प्लेटफॉर्म आई मीन गेम प्लेटफॉर्म रियलिटी शो इसमें मेल फीमेल वाला ऐसा कुछ मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए बट देन आपकी लाइफ की जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं मुझे हमेशा से लगता है कि आप अपना रियल सेल्फ दिखाते हो यू डोंट फेक इन द गेम सो इफ आई आस्क यू हु अमंग्स दीज ऑल इज प्लेइंग अ फेक गेम तो आपको बताना पड़ेगा कौन कौन गया सना मकबूल
ओके नेजी भाई हमारे तो दो लोग बहुत हैं बस और क्या और कोई नहीं देखो जो ये आदमी है ये मुंह पे बोलता है चीज़ें बोलता है सामने वाले को कम समझ में आती है पर प्रैक्टिकल रहता है बहस कर लेता है मुंहजोरी कर लेता है पर ठीक खेल रहा है थैंक यू सो मच अरमान आपके लिए एक क्वेश्चन है सर अरमान आप स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हो कि आप ये घर के सरपंच हो आपको पहले ही पता हो जाता है कि कौन क्या करने वाला है कौन क्या है आप पहले ही नो एक प्रिडिक्शन निकाल देते हो कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन निकलेगा आप बोल देते हो मेरा इंस्टीट्यूशन काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है क्या आपको ऐसा लगता है घर में आप कृतिका के साथ साथ बाकी कंटेस्टेंट्स को भी डोमिनेट कर रहे हो बिकॉज अगर आपके खिलाफ कोई चला जाता है ना आप उसकी बुराई तुरंत स्टार्ट कर देते हो शिवानी हो या कोई भी हो इस पे आप क्या कहना अब मैं आपको बता देता हूं जो आपको सरपंच तो मान लिया बिग बॉस भी मानने लग गए जी जी नहीं नहीं अब मैं आपको बता देता हूं ये सरपंच वर्ड जो है मैंने नहीं दिया ये नेजी भाई बोलते रहते हैं शिवानी बोलती थी हमारे जो यहाँ से विशाली गई है वो बोलता रहता था उन्होंने विशाल ने मुझे दिया था इन सबनों ने जितने भी लोग मैंने नाम लिए इन्होंने दिया था मुझे ये नाम उसके बाद ये बोलने लगे सरपंच और आप ये कह रहे कि जिससे मेरी नहीं बनती आप सोचो जब से मैं एंटर हुआ हूँ इस घर में मेरी विशाल से नहीं बनती ठीक है झगड़ा हुआ शुरू से हुआ लास्ट तक रहा उसके बाद अब नेजी थोड़ा सा किसी की बातों में आ गए तो नेजी से थोड़ा मेरा झगड़ा चलता रहता है ठीक है सना मकबूल से मेरा झगड़ा चलता रहता है लवकेश मेरी इसकी बहस होती रहती है चीज़ों को लेके तो थोड़ा सबसे ही चलता है जो जिससे चलता है वो उधर है जिससे नहीं चलता वो इधर है सना मेरा सवाल बिग बॉस प्रेस का इस घर में आने और शो के फिनाले वीक का इस तरह एक बेहतरीन आगाज करने के लिए ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं थैंक यू आप सब आए इतना पेट्रोल डाला इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त होती है सभी घर वाले अब फौरन घर के अंदर आ जाएं मैडम के सवाल ने हिला दिया था पर मैंने